हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश इजी। डियर फ्रेंड्स, हम लोग टेंस के बारे में पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हम लोग टेंस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़े और उसके बाद का एक क्लास हम लोग वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़े, जिसमें देखे हम लोग कि कोई जो मेन जो वर्ब है उसका जो V1, V2, V3 फॉर्म्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस का जो एक टाइप्स है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस से ही रिलेटेड है, किंतु इसमें कुछ टाइम का बोध होता है जिससे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिल्कुल अलग हो जाता है। तो फ्रेंड्स, नाउ बिगिंस स्टार्ट यू कैन से, एंड बिना कुछ समय को गवाए हुए हम लोग पॉइंट पर आते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को शुरू करते हैं। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें परफेक्ट नहीं था। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जिस तरह से हम लोग पिछले टेंसेस में देखते थे, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करते थे कि यदि मेरे सामने कोई वाक्य है तो वो वाक्य किस टेंस का है, तो उसकी पहचान करते थे, आइडेंटिफाई करते थे उसे। तो इसका पहचान क्या है कि मेन जो वर्ब होगा उसके अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं इत्यादि लगा रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं दो दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ, तो इसमें पढ़ाना क्या है, क्रिया है, तो जिसके अंत में ता आ रहा हूँ। अभी हम लोग पढ़े कि ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, ता आ रहा हूँ, ऐसे शब्द लगे रहे क्रिया के साथ तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। जैसे नेक्स्ट आगे देखते हैं, वह 4 बजे से पत्र लिखते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, ता आ रहे हैं या ती आ रही है, ते आ रहे, मेन वर्ब में रहे तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य समझेंगे। डियर फ्रेंड्स, इसे आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका है कि इसमें इसमें टाइम दिया हो रहेगा, कुछ डिफिनिट टाइम, कुछ इनडिफिनिट टाइम, जैसे कि 2 दिनों से, 4 बजे से, तो यहाँ पर टाइम का टाइम डिनोट किया हो रहेगा, जिससे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो अब जब हम इसे चूंकि पहचान गए कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो अब हम इसे बनाएंगे कैसे, इसका स्ट्रक्चर क्या है, बनाने का इसका रूल्स क्या है, नियम क्या है। तो पिछले टेंसेज की तरह है, इसका भी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी यानी V4 प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, ये जो टाइम दिया हुआ रहता है उसके लिए सिंस या फॉर का यूज करते हैं। हम लोग आगे देखेंगे कि सिंस कहाँ यूज करेंगे और फॉर किसके साथ यूज करेंगे। ओके, अभी इसको समझते हैं कि हैज बीन और हैव बीन किसके साथ लगाएंगे। तो जैसा हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़े थे कि ही सी इट नेम सिंगुलर थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ हैज लगता था, तो यहाँ पर भी सेम वही रूल्स अप्लाई होगा, उसके साथ हैज बीन लगेगा और आई बी यू दे या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का यूज होगा। ओके, अब यहाँ पर हमको देखना है कि सिंस और फॉर किसके साथ लगाएंगे। तो देखिए, सिंस डिफिनिट टाइम दिया हो रहेगा, जैसे डिफिनिट टाइम में आप क्या ले सकते हैं, जैसे कि घड़ी का टाइम, जैसे 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, या फिर दिन, महीना, वर्ष का नाम रहे, जैसे 1980 से, 1990 से, सोमवार से, जनवरी से, तो ये सब क्या है, दिन का नाम हो या फिर महीना का नाम हो या वर्ष का नाम हो या घड़ी का समय हो, तो ये सब जो है वो निश्चित टाइम को, निश्चित समय को डिनोट करता है, इसलिए वैसे समय के साथ हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। और इनडिफिनिट टाइम, जैसे 2 घंटों से, 2 दिनों से, 5 वर्षों से, जो कि इनडिफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, 5 वर्षों से अनिश्चित समय है, लेकिन उसी को दिखा दे कि 1980 से हम लोग अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं, तो वह क्या है, वह निश्चित टाइम है,
बोल दे कि मैं 4 बजे से पत्र लिखता रहा हूँ, तो वो क्या है? निश्चित समय है। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि सिंस का यूज डिफिनिट टाइम के साथ करेंगे, जैसे घड़ी का समय, क्या है? घड़ी का समय, दिन, महीना, दिन, महीना, वर्ष, सप्ताह का नाम के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और अनिश्चित समय, जैसे 2 दिनों से, 4 वर्षों से, 4 दिनों से, ये सब अनिश्चित टाइम है, इसके लिए इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। तो नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग एग्जांपल देखते हैं कि मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? मैं। कौन पढ़ाता रहा अंग्रेजी? मैं। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं। तो आई लिख दिए, और आई के साथ हैव बीन लगता है, तो आई हैव बीन, और वर्ब प्लस आई एन जी, तो टीच मींस पढ़ाना, उसके साथ आई एन जी लग गया तो हो गया टीचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश, अंग्रेजी, तो इंग्लिश हो गया। अब है कि सिंस या फॉर, तो 2 दिनों से अनिश्चित टाइम है, यही रहता कि सोमवार से सप्ताह का नाम, तो निश्चित हो जाता, तो उसके साथ सिंस लगाते, लेकिन यहाँ पर अनिश्चित टाइम है इसलिए फॉर लगाए, और कितने दिनों से? 2 दिनों से, तो फॉर 2 डेज, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ। नेक्स्ट, वह 4 बजे से पत्र लिखते आ रहे हैं, तो वह के लिए ही हो गया, और ही के साथ हैज बिन लगता है, तो ही हैज बिन राइटिंग, क्योंकि लिखना वर्ब है, आई एन जी जोड़ दिए, राइटिंग ए लेटर। और सिंस या फॉर, तो सिंस लगेगा बिकॉज यहाँ घड़ी का टाइम दिया हुआ है जो कि निश्चित समय होता है, तो सिंस 4 o'clock, 4 बजे से। ओके, तो ये तो सिंपली हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। अब यदि निगेटिव सेंटेंस रहे, जैसे कि मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा हूँ, तो यदि निगेटिव वाक्य रहे तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? तो सिंपली कुछ नहीं करेंगे, जहाँ पर हैज़ हैव बिन जोड़ रहे थे तो हैज़ और हैव, तो हैव के बीच में यहाँ पर नॉट जोड़ देंगे, या हैज के और बिन के बीच में नॉट जोड़ देंगे। जैसे यहाँ देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट अ बिन, यानी हैव नॉट बिन, हैज नॉट बिन, यानी हैज और हैव बिन के बीच में नॉट जोड़ देंगे, बाकी सेम चीज रह जाएगा, वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर थिंग। ओके, जैसे इसी को हम लोग को यदि निगेटिव बनाना रहे कि मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूँ, तो आई यहाँ पर लिखें कि आई हैव बिन, तो यहाँ पर क्या करेंगे? आई हैव नॉट बिन, हैव और बिन के बीच में क्या जोड़ रहे हैं? नॉट, यानी हैव और बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, आई हैव नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। ओके, बाकी सेम चीज है, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, यानी निगेटिव हमको बनाना रहे तो हैव या हैज और बीन के बीच में नॉट को जोड़ देंगे। ओके, अब अति इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है कि क्या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूँ, तो पिछले टेंस की तरह जैसे ही इंट्रोगेटिव वाक्य आ जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए, तो सबसे पहला रूल्स क्या है कि हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसे बाहर करेंगे, है ना? तो हैज हैव, चूंकि हैज बीन होता है, तो हैज हैव को हम लोग बाहर कर देंगे, फिर सब्जेक्ट और बीन को यहीं पर रखेंगे, और प्लस आई एन जी प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर थिंग, यानी सेम चीज रहेगा। यानी इसका मेन स्ट्रक्चर को देखे तो यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो इस हैज और हैव को सिंपली बाहर ला देंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट ऐसे ही रह जाएगा और बिन भी ऐसे ही रह जाएगा, वर्ब आई एन जी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर थिंग। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर हम लोग देखे थे कि आई हैव बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, तो क्या कह रहा है कि हैव या हैज को बाहर निकालिए, तो हैव को बाहर किए, फिर आई आई, फिर बिन बिन, टीचिंग टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, यानी सिंपली क्या करेंगे, हैज हैव को बाहर कर देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके पास बीन। अब यदि मेरा निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों तरह के बात हो, जैसे कि क्या मैं 2 दिनों से अंग्रेजी नहीं पढ़ाता रहा हूँ, तो क्या आ गया पहले, यानी इंट्रोगेटिव भी हो गया और नहीं पढ़ाता, और निगेटिव भी आ गया, तो वैसे वाक्य को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तो जैसे इंट्रोगेटिव शामिल है, मतलब हैज हैव बाहर आएगा, सब्जेक्ट और प्लस जो बिन लिख रहे थे, तो बिन के पहले नॉट जोड़ते थे, निगेटिव स्ट्रक्चर में भी बिन के पहले नॉट जोड़े थे, तो
तो बीन के पहले नॉट, उसके बाद वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस सेंस या फॉर प्लस अदर थिंग, बाकी हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा। ध्यान इतना ही रखना है डियर फ्रेंड्स कि जैसे ही इंटरोगेटिव आ गया तो हैज को बाहर करेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे। अब चूंकि निगेटिव भी है इसमें तो जस्ट बाद नॉट लिखेंगे, यदि निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे, और बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। जैसे हैव आई, जिसे यहाँ पर पढ़े थे ना इंट्रोगेटिव में, हैव आई और बीन था, तो हैव आई अब चूंकि निगेटिव भी है तो यहाँ पर नॉट जोड़ दिए। हैव आई नॉट बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर टू डेज, बाकी सब वैसे ही रह जाएगा। यदि इसका एक हैज का उदाहरण ले तो हैव के जगह पर हैज लगा दिए, हैज ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock, यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़े थे ना कि ही हैज बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 4 o'clock, तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था। यदि हम इसको इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव दोनों बनाएं तो हम लोग क्या करेंगे कि इस हैज को आगे करेंगे, हैज उसके बाद ही उसके बाद बीन, तो बीन है। अब चूंकि निगेटिव भी हमको बनाना है तो हैज ही और बीन के बीच में नॉट जोड़ देंगे, हैज यू नॉट बीन राइटिंग ए लेटर सिंस 4 o'clock, बाकी सेम चीज रह जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और यदि डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी शामिल कर दिया जाए, डब्ल्यू एच क्वेश्चन, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर कर रहे थे तो इसमें डब्ल्यू एच क्वेश्चन को भी यदि हम लोग शामिल कर दें तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड को आगे करेंगे, यानी डब्ल्यू एच वर्ड किसको बोलते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हु, हाउ, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे आगे रख देंगे और बाकी सेम चीज ऐसे ही रह जाएगा। यानी यदि इसी को हम लोग बोल दें कि मैं 2 दिनों से अंग्रेजी क्यों पढ़ाता नहीं आ रहा हूं, तो क्यों, यानी वाई, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ गया, तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन को आगे रखेंगे तो लिखेंगे वाई, है ना, और उसके बाद हैव, उसके बाद आई, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीन, उस देखिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अब इसको हमको डब्ल्यू एच क्वेश्चन में शामिल करना है तो वाई को डब्ल्यू एच वर्ड को सबसे आगे किए, चूंकि इंट्रोगेटिव आ गया उसमें तो हैव को आगे निकाल दिए, उसके बाद सब्जेक्ट ऐसे ही रह गया, उसके बाद नॉट जोड़ दिए क्योंकि निगेटिव भी था, विन, और उसके बाद क्या है, विन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days, तो सेम चीज लिख देंगे टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 days। ओके डियर फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जो था, नेगेटिव स्ट्रक्चर हैज और बीन के बीच में नॉट जोड़ देना, इंट्रोगेटिव रहेगा तो सिंपली सभी टेंस की तरह इस टेंस में भी उसका जो हेल्पिंग वर्ब हैज है को आगे निकाल देंगे, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, यदि इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों रहे तो हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट कर देंगे, यदि डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ जाए तो सेम चीज यही स्ट्रक्चर रहेगा, सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड को यानी व्हाट, हाउ, व्हिच, हुम को आगे कर देंगे और बाकी सेम चीज रह जाएगा। ओके तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल आप लोग को समझ में आया होगा। और एक बार फिर से हम रिमाइंड करा देते हैं कि इसमें जो सिंस और फॉर का जो यूज होता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करने का 2 तरीका हुआ कि इसका जो मेन वर्ब रहेगा उसमें ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे लगा रहेगा, या फिर इसमें समय सूचक शब्द दिया हुआ रहेगा, जैसे कि 2 दिनों से, 4 वर्षों से, 5 बजे से, 1980 से, ये सब समय सूचक बात दिया हुआ रहेगा। तो डिफिनिट टाइम जो रहेगा, जैसे घड़ी का समय, सप्ताह का नाम, महीना का नाम, वर्ष का नाम, ये सब निश्चित समय में आता है, तो ऐसे ऐसे समय के साथ सिंस का प्रयोग करेंगे। और इनडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय, जैसे 2 दिनों से, 4 घंटों से, 4 महीनों से, 4 वर्षों से, ये सब अनिश्चित समय है, इसके साथ फॉर का यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो हम समझते हैं कि आज का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको समझ में आया होगा, और एग्जांपल के लिए आप लोग 2-4 सेंटेंस और अपने घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसी को आप अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव प्लस डब्ल्यू एच क्वेश्चन करके बनाइएगा। एंड आई होप आपसे हिंदी बाक इंग्लिश में ट्रांसलेट
100% होगा, कोई भी बुक उठाकर आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो, आज का लेक्चर यहीं तक, और यदि यह वीडियो आज का आपको क्लास अच्छा लगा हो, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक माइंड में कंसेप्ट बिल्ड हुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हर दिन की तरह आज भी एक रिक्वेस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जरूरतमंद स्टूडेंट के पास हमारा ये प्रयास पहुंच सके। ओके फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, सी यू। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ओके।